बिजली कंपनी के इंजीनियर पर हमले के आरोप में कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के सरेंडर के बाद अब नया विवाद शुरू हो गया। कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा मलिंगा के समर्थन में उतर आई। दिव्या ने मलिंगा के डीजीपी पर लगाए गए आरोपों की जांच की मांग उठाते हुए तंज कसा। सत्ताधारी पार्टी के विधायक के डीजीपी पर सवाल उठाने के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। गिरिराज सिंह मलिंगा ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डीजीपी पर व्यक्तिगत दुश्मनी रखने के आरोप लगाए थे। अब दिव्या मदेरणा ने उन आरोपों की बात को फिर उठाया। दिव्या मदेरणा ने ट्वीट किया कि विधायक मलिंगा ने कहा था कि डीजीपी व्यक्तिगत दुश्मनी रखते हैं। मुझसे डीजीपी बोले कि गिरफ्तारी के डर से आरोप लगा रही हैं। बाड़े विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने नैतिकता दिखाई है और सरेंडर किया। गिरफ्तारी से डरे नहीं, लेकिन अब डीजीपी पर लगाए आरोपों की जांच भी बनती है। उनकी जांच कौन करेगा? दिव्या मदेरणा इससे पहले महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर लगे रेप के आरोपों पर भी डीजीपी और राजस्थान पुलिस को घेर चुकी है। दिव्या मदेरणा ने 3 दिन पहले ही ट्वीट पर महेश जोशी के बेटे के खिलाफ राजस्थान में FIR नहीं होने पर सवाल उठाए थे। दिव्या ने लिखा था कि मेरा पुलिस प्रशासन से गंभीर प्रश्न है कि FIR राजस्थान पुलिस ने क्यों नहीं दर्ज की। डीजीपी को FIR दर्ज करने से मना करने वाले थानेदार के खिलाफ तत्काल विभागीय जांच के आदेश देने चाहिए। डीजीपी और राजस्थान पुलिस को पीड़िता व उसके परिवार को उनके राजस्थान के पैतृक निवास पर सुरक्षा उपलब्ध करवानी चाहिए। हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है, लेकिन पुलिस को त्वरित एक्शन लेना चाहिए। इस केस ने राजस्थान पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। दिव्या मदेरणा ने डीजीपी पर सवाल उठाकर अपनी ही सरकार के कामकाज की शैली पर भी सवाल उठा दिए। पहले रेप केस की FIR नहीं करने पर और अब गिरिराज सिंह मलिंगा के सरेंडर पर उनके डीजीपी पर आरोप का समर्थन करने और नई बहस छेड़ दी। दिव्या मदेरणा मारवाड़ के ताकत सियासी परिवार से संबंध रखती है। ऐसे में उनका बेबाक होकर सरकार के कामकाज पर सवाल उठाना भविष्य की सियासी संभावनाओं का से बल देता है। कांग्रेस के विधायक अफसरशाही के हावी होने का आरोप लगा चुके हैं। अब दिव्या मदेरणा ने डीजीपी पर लगे आरोपों की जांच का मुद्दा उठाकर उन आरोपों को फिर हवा दे दी है। दिव्या मदेरणा के गिरिराज सिंह मलिंगा के डीजीपी पर लगाए आरोपों की जांच को लेकर सवाल उठाने पर ट्विटर पर कई यूजर्स ने सवाल उठाए। यूजर्स ने इस पर तीखे कमेंट किए। मुकेश जाट ने लिखा कि सरकारी कर्मचारी को मारना, हाथ पैर तोड़ना और फिर गिरफ्तारी से डरना, फिर दूसरे पर आरोप लगाना, फिर चुपके से सब सेट करके इतने दिन बाद सरेंडर करना, ये कहां की नैतिकता है मैडम? इस जगह कोई आम व्यक्ति होता तो कब का जेल में होता। अपराध करके नैतिकता, यह कहां की गणित है मैडम? वहीं अमिया पात्रा ने लिखा कि मुझे लगता है कि आप जानबूझकर पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं। हो सकता है कि आपके और राज्य के नेताओं के साथ कुछ समस्या हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी सरकार को खुलेआम गाली दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज़।